सबसे पहले शुरुआत करेंगे वरुण बेवरेज लिमिटेड के बारे में। अगर हम आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो इन स्टॉक में भी लगभग 3.5% की गिरावट, और इस गिरावट के पीछे का रीजन भी आपको बताएं कि बाजार आज के दिन पूरे बाजार में हमें एक बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। और जहां तक वीबीएल स्टॉक की बात करें कि ऐसे नहीं कि पहली बार या फिर आज के दिन इन स्टॉक में हमें इस प्रकार की गिरावट देखने को मिला, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में एक तरफा हमें इसी प्रकार की गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे कि पिछले 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिनों में भी लगभग 6% डाउन। अगर हम 6 मंथ की बात करें तो पिछले 6 मंथ में नेट नेट देखोगे तो एक फ्लैटिश परफॉर्मेंस, बट अगर आप टॉप लेवल से देखोगे तो टॉप टू बॉटम ये गिरावट लगभग हमें 12.5% तक के देखने को मिल जाएगा। और एग्जैक्टली प्रॉपर कैंडल शीट लगा के देखोगे तो ये गिरावट आपको 13% के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। यानी कि फिर से स्टॉक अपने टॉप लेवल से एक बहुत ही डिसेंट गिरावट दिखा चुका है, क्योंकि इस प्रकार के स्टॉक में, इस प्रकार की कंपनी में 12-13% गिरावट होना मतलब एक बहुत ही डिसेंट और एक बहुत ही हेल्दी गिरावट माना जाता है, क्योंकि ये 2 लाख करोड़ की बहुत बड़े ब्लू चिप कंपनी और बहुत ही कंसिस्टेंसी, बहुत ही स्मूथली चलने वाली ये स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक में जब भी 12-13% की डिस्काउंट मिले उसे एक बहुत ही हेल्दी और एक बहुत ही अच्छी गिरावट माना जाता है। तो ये जो गिरावट हमें आज के दिन स्टॉक में देखने को मिला तो कुछ लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट है, मतलब जिनके पास पुराने टाइम से फिर किसी ने स्टॉक पे बाय किया उनके लिए नेगेटिव है, बट किसी ने स्टॉक को बाय किया नहीं और बाइंग करने के बाद में सोच रहे। और जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि इन स्टॉक में होल्ड करोगे तो मार्केट हर स्टॉक में आपको हर बार मौका, मतलब बाजार आपको हर बार हर स्टॉक में मौका देता रहेगा। तो लोग जो लोग फ्रेस बैंक करने के बाद में सोच रहे थे, तो अगर आप चाहो तो बिना नंबर देखे बिना भी, अभी तक कंपनी के नंबर के डेट आया भी नहीं है, बट आप चाहो तो नंबर देखे बिना भी अगर आप कंपनी में इंटरेस्टेड हो तो अच्छा मौका दे रहा है 13% ऊपर। अगर हम इसके टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल तो चलो फिलहाल तो 600 को ब्रेक डाउन दिया, अगर इसके नीचे सस्टेन करें तो नेक्स्ट और फर्दर करेक्शन आ सकता है, जो कि 575 को जो लेवल है 575 के स्टॉक, यहाँ तक भी स्टॉक आ सकता है, जो कि यहाँ पे स्टॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो चाहो तो यहाँ पे आप थोड़े बहुत क्वांटिटी, आप इसे थोड़े बहुत से ऐसा आप उठा सकते हो, अगर वाकई आप कंपनी इंटरेस्टेड हो तो। मेरे साइड से बिल्कुल भी रिकमेंडेशन है नहीं, बट आप लोगों को बताया कि जब भी अच्छे स्टॉक में इस प्रकार की गिरावट होता है तब हम उन स्टॉक को कवर करते हैं जो स्टॉक अच्छे हैं और एक अच्छे डिस्काउंट में मिलता है। तो अच्छे डिस्काउंट में अगर किसी अच्छे स्टॉक को बाय करोगे तो लॉन्ग टाइम के साथ साथ शॉर्ट टाइम के अंदर भी आपको एक अच्छे खासा डिसेंट प्रॉफिट बना के दे सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि बहुत जल्दी आपको ये प्रॉफिट बना के देगा, हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से 13% गिरे, आगे ये गिरावट आगे और भी फर्दर कंटिन्यू हो। तो इसीलिए अगर आपको जाना है तो एक बार में पूरा पैसा मत लगाना, क्योंकि गिरने के लिए स्टॉक यहाँ से और भी गिरावट दिखा सकता है, बट 13% एक हेल्दी करेक्शन है। क्योंकि अभी तक अगर हम इसके 2-3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो सिर्फ एक ही बार स्टॉक यहाँ पे 18% गिरा था, और उसके बाद जब भी स्टॉक गिरता है इसी प्रकार के 13%, 12%, 15% इसी प्रकार के। तो एग्जैक्टली हो सकता है ये गिरावट आगे और भी कंटिन्यू हो, बट 13% एक डिसेंट गिरावट है। तो अगर आप चाहो तो एक इंस्टॉलमेंट या फिर थोड़े बहुत शेयर आप उठा सकते हो, मतलब जितने भी आप यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो सिर्फ वीबीएल स्टॉक में, उसको 4 हिस्से में डिवाइड कर दो, सिर्फ एक हिस्सा अभी लगाओ, बाकी 3 हिस्सा साइड में रख दो, क्योंकि मार्केट है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। और ये स्टॉक 590 के आने के लिए 490 तक भी आ सकता है, मतलब 500 के नीचे भी आ सकता है, ये पहले से आप मान के चलो अभी, क्योंकि बाजार है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। बाकी कंपनी दमदार है, जब भी इस प्रकार के गिरावट मिलता है तो हमने मैक्सिमम टाइम देखा कि 12-13% गिरने के बाद भी स्टॉक में रिकवरी आ जाता है। रिकवरी आ जाए तो अच्छी बात है, अगर और गिरावट हो जाए तो भी अच्छी बात है, फिर से ये स्टॉक आपको और भी सस्ते प्राइस में मिलेगा। तो चाहो तो और भी लोअर लेवल पे आप थोड़े बहुत एवरेज कर सकते हो। तो कंपनी अच्छी है, कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर चाहो इस टाइम पे आप इसके बारे में कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो एस्ट्रल लिमिटेड, सो एस्ट्रल की बात करें तो आज के दिन इसमें भी 2-2.5% गिरावट, और जैसे मैंने कहा आज के दिन मैक्सिमम स्टॉक में आपको इस प्रकार के लाल निशान देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक एस्ट्रल की बात करें तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, बट ये भी इसकी अगर बात करें परफॉर्मेंस के स्टॉक की तो पिछले काफ़ी टाइम से स्टॉक में हमें एक अच्छे खासे नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, और ये भी अपने टॉप लेवल से आपको 20-22% तक डाउन देखने को मिल जाएगा। प्रॉपर देखोगे तो आपको ये 22% तक डाउन देखने को मिल जाएगा, जो कि कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव पॉइंट है, मतलब जिन्होंने स्टॉक को टॉप बाय किया एकदम 2000 के ऊपर, 2200 के ऊपर, फिर अपने ऑल टाइम हाई पे, उनके लिए नेगेटिव पॉइंट है, बट कुछ लोगों के लिए ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो लोग फेस में करने के बारे में सोच रहे हैं कि भाई इस टाइम पे तो मार्केट टॉप है और बहुत सारे स्टॉक टॉप पे, तो कौन से स्टॉक में जाना चाहिए जबकि मार्केट गिरे तो भी ज़्यादा पैनिक ना हो, तो उसमें से आप
बीवीएल के साथ साथ आप एस्टेल को जरूर कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये जबरदस्त कंपनी है, ऑलमोस्ट अपने सेक्टर का लीडिंग कंपनी है। और उसमें भी देखा जो सेक्टर है वो सेक्टर एक मिड कैप साइड के सेक्टर है, जो नंबर वन कंपनी है उसकी भी मार्केट कैप 66,000 करोड़ की, एक डिसेंट साइज की मिड कैप कंपनी। बाकी उसके नीचे एस्टेल, एस्टेल पहले नंबर वन पर था, मतलब इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चलते रहते हैं, तो धमाकेदार कंपनी। हाँ, इनके जो वैल्यूएशन है थोड़ा सा हायर रहता है। बाकी कंपनी की बात करें तो कंपनी ये भी जबरदस्त है और इसने भी बहुत ही कमाल की ग्रोथ दिखा चुका है। बट सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले समय में हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस प्रकार की ग्रोथ आना बाकी है, तो डेफिनेटली ये सारी कंपनी आगे और भी अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और जहां तक गिरावट की, अगर आप इसके 5 साल की ग्राफ को देखोगे तो नेट नेट अभी भी 200% के प्रॉफिट। बट क्या ये 200% प्रॉफिट रातों रात बना है? क्या इसके बीच में कभी स्टॉक गिरावट दिखाई? नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआत में 2000 कोविड में 30-35% तक स्टॉक गिरा था, उसके बाद जबरदस्त रैली, उसके बाद 2022 में जनवरी के आसपास स्टॉक फिर से गिरा था 35-40% के आसपास। तो क्या कंपनी या फिर स्टॉक खत्म हो गई? तो बिल्कुल भी नहीं, फिर स्टॉक ने रिकवर किया और अगेन 2023 में मार्च के आसपास स्टॉक 30-35% तक गिरा। तो क्या दोबारा स्टॉक खत्म हो गया? तो बिल्कुल भी नहीं, फिर से स्टॉक ने रिकवरी किया, अपने इस लेवल को ब्रेकआउट देकर फिर एक 2500 का न्यू ऑल टाइम है अचीव किया। तो फिलहाल 22% डाउन है, तो एक बहुत अच्छे खासा मौका है। जो स्टॉक टॉप पे है मार्केट के साथ उसको इग्नोर करो, जो स्टॉक अच्छे खासे डिस्काउंट में दमदार है और बिजनेस वाइज सॉलिड है, पॉलीकैप कोई मतलब बताने की जरूरत है नहीं, इतनी शानदार कंपनी है, तो टाइम लग सकता है। इससे पहले भी 3 बार गिरा था 5 साल के बीच में, टाइम लगा है, यहाँ पर भी लगने वाला है, बट आगे ये जरूर कम बैक करते आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप चाहो तो इस टाइम पीस के बारे में जरूर कंसिडर कर सकते हो। हाँ, एक चीज कि अभी तक कंपनी के नंबर आए नहीं, दो चॉइस आपके पास, अगर आपको सेफली जाना है तो वेट करके कंपनी के नंबर देखने के बाद भी आप इसमें डिसीजन ले सकते हो। और अगर आपको जल्दबाजी है, अगर आप बहुत ही लंबी अवधि के बारे में विचार कर तो चाहो तो इस टाइम पे भी आप इसके बारे में कंसिडर कर सकते हो। बट एक चीज कि एक बार में कभी भी किसी भी स्टॉक में पूरा पैसा मत लगाना, क्योंकि ये 22% गिरा है, अगर नंबर खराब आए या फिर मार्केट में ऐसे माहौल रहा तो ये गिरावट आगे और भी फर्दर कंटिन्यू हो सकता है। जो ये एक टाइम के लिए इसको ब्रेक डाउन दे दिया तो 1750 तक भी आ सकता है। तो पहले से सारी चीजों को पहले प्रिपेयर करके रह सकते हो, ऐसे नहीं कि एक बार में पूरा पैसा लगा दो, कि अगर स्टॉक यहाँ से कमबैक कर ले तो अच्छी बात है, पर अगर ब्रेक डाउन दे दे तो फिर यहाँ पे फिर आप फंस जाओगे, मतलब फिर आपके पास ना एवरेज करने की कैपिटल होगा ना आप स्टॉक को ठीक से होल्ड कर पाओगे। तो इसलिए कभी भी किसी स्टॉक में पूरा पैसा मत लगाना, जाना है तो थोड़े बहुत क्वांटिटी उठाओ, बाकी और भी रख दो शेयर्स अमाउंट, ताकि जब स्टॉक अगर आगे और गिरे तो उस लोअर लेवल पे भी एवरेज करने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए। इस कंपनी ने भी मल्टी बैगर लोगों को प्रॉफिट बना के दे चुका है, कितने कमाल किसने ग्रोथ देखा, 45,000% की रिटर्न बना के दिया। और इसी बीच में इस कंपनी कितने बार अपने शेयर होल्डर को कॉर्पोरेट एक्शन भी दे चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी भी ये मिड कैप है और आगे भी ये कंपनी आपको आगे भी बहुत अच्छे करते रेट को मिल सकता है, तो कंपनी दमदार है। तो अगर आप चाहो तो मार्केट टॉप पे तब भी आप चाहो तो इसके बारे में कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें और एक जबरदस्त कंपनी पॉलीकैब इंडिया। सो पॉलीकैब की बात करें तो आज के दिन एकदम फ्लैटेस्ट परफॉर्मेंस, जो कि इसे भी हमें एक जबरदस्त परफॉर्मेंस बोलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार के मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिला तो उसके हिसाब से स्टॉक ने एटलीस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दिया। शुरुआत तो और भी कमाल के थे, शुरुआत में आज के दिन भी स्टॉक में हमें यही देखने को मिला और फिर से स्टॉक ने आज के दिन अपना एक न्यू फ्रेश हाई भी मतलब अचीव किया। उसके बाद मार्केट में प्रेशर होने के चलते नेट हमें इन स्टॉक में थोड़े बहुत हमें प्रेशर देखने को, बाकी इसके पिछले 5 दिनों की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, नेट 9.5% की तेजी, और इसी तेजी के साथ स्टॉक ने अपने जो पुराने हाई थे उस हाई को ब्रेकआउट देके एक न्यू हाई भी इसने ब्रेक किया, और उसके बाद अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ही स्टॉक ने अपने आप को वो सस्टेन भी हमें करते देखने को मिला। तो स्टॉक को जो अभी मोमेंटम हमें देखने को मिला, हमें एक बहुत ही कमाल की मोमेंटम देखने को मिला, और ये जो ब्रेकआउट स्टॉक ने इस प्रकार के दिया इसके पीछे भी काफी शानदार न्यूज भी हमें देखने को मिला, और वो न्यूज है UBS की। UBS ने देख सकते हो कि मंडे के दिन स्टॉक को कवरेज किया कि चाहो तो इस टाइम पे स्टॉक को फेस बाइंग करके जा सकते हो, स्टॉक इतने टॉप पे होने के बाद भी और स्टॉक में इतने पोटेंशियल है कि इसी तेजी के साथ ये स्टॉक आने वाले टाइम में 8,500 तक की रैली दिखा सकता है। उसके पीछे का रीजन है कि जिस प्रकार के ग्रोथ हमें देखने को मिले और पॉलीकैब एक इंडिया के अपने सेक्टर का लीडिंग कंपनी है, तो बहुत ही हमें जबरदस्त डोमेस्टिक वॉल्यूम हमें देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार के मार्केट शेयर कंपनी लगातार गेन करती जा रही है अपने WNC वाले सेगमेंट में, और खासकर ये जो सेगमेंट है वारन केबी वाले सेगमेंट, इसमें कमाल की ग्रोथ है और हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बहुत ही जबरदस्त डिमांड देखने को मिले। जिस प्रकार के सरकार के साइड से हमें कैपेक्स देखने को मिले खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो डेफिनेटली ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ कंपनी मतलब इंडस्ट्री देखने को मिल जाता है। तो इन्हीं के चलते मैक्सिमम ब्रोकर के मानना है, फिर मैक्सिमम एक्सपर्ट के मानना है,
कि पॉलीकैप एक लीडिंग है, इसके पास अपने सेगमेंट का ऑलमोस्ट 26% के मार्केट शेयर हमें देखने को मिल जाता है। तो अभी तक कंपनी ने बहुत अच्छे प्रॉफिट में दिया, बट आने वाले टाइम में ये प्रॉफिट पॉलीकैप इसी प्रकार के मेंटेन रख सकते हैं। और इसी के चलते इनके मानना है कि स्टॉक जो मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है, शायद से मोमेंटम आगे इसी प्रकार के फर्दर कंटिन्यू हो सकता है। तो फिलहाल तो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करे, अगर इसी लेवल को वो सस्टेन करे, हाँ थोड़े बहुत मार्केट का भी पॉजिटिविटी रहना चाहिए, अगर मार्केट ने भी थोड़े बहुत साथ दे दी तो शायद ये तेजी कि एक तरफ रैली हमें 7.5 से लेकर 8 या तक कि जो टारगेट UBS ने दिया 8.5 हज़ार की भी टारगेट इसी तेजी के साथ हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो गोदावरी पावर लिमिटेड, अगर हम आज के दिन की बात करें तो इसमें भी 2 से लेकर 2.5% की गिरावट, बाकी इसके एक मंथ की बात करें पिछले एक मंथ में स्टॉक ने खास करके बॉटम लेवल से एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया और उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताया। हाल ही में जो कंपनी ने 1:5 का स्पीड का अनाउंसमेंट किया था उसके चलते भी स्टॉक में बहुत ज्यादा हमें हलचल देखने को मिला, बट अच्छी बात है कि जो स्पीड उन्होंने अनाउंसमेंट किया था उसके हमें जो रिकॉर्ड है एक्सीड है वो हमें कल के दिन ही देखने को मिलेगा, यानी कि आज के दिन अगर किसी ने स्टॉक को बाय किया तो वो एक के बदले 5 शेयर के एलिजिबल हो जाएगा।